अब हम शुरू करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स हो चुका है हमारा। अब हम सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो ये हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फ्लूइड्स मतलब क्या। ठीक है, सो व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस दैट फ्लोज। वो ऐसे सब्सटेंस है जो फ्लो होते हैं ना, तो फ्लो होने वाले सब्सटेंस बताओ कौन से आएंगे? तो फ्लूइड जनरली बोलते हैं तो हम एक ही चीज समझते हैं, लिक्विड। ठीक है, बट फ्लूइड्स आर लिक्विड एंड गैसेस। तो ये दोनों भी फ्लो होते हैं ना। सबसे पहले देखो क्या है फ्लूइड्स, तो अब ये हेडिंग बाद में देखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का हम बाद में समझेंगे क्या है। पहले हम फ्लूइड्स क्या होते हैं वो देखते हैं, फिर उसके प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो हम देखेंगे। तो ये चैप्टर को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हम फ्लूइड्स के बारे में स्टडी करेंगे व्हेन दे आर एट रेस्ट, और सेकेंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे व्हेन दे आर इन मोशन। तो एक है हाइड्रो स्टैटिक, यानी जहां फ्लूइड हाइड्रो स्टैटिक है, और एक हाइड्रो डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब कायम है मोशन में, फ्लूइड कायम है मोशन में। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, हाइड्रो स्टैटिक और एक हाइड्रो डायनामिक्स। पूरे चैप्टर में हम फ्लूइड्स के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं, पर एक कंडीशन ऐसी रहेगी स्टार्टिंग में, जब हम फ्लूइड को कायम में लेंगे रेस्ट में, और सेकेंड कंडीशन डायनामिक्स मतलब हम कायम में लेंगे मोशन में। ठीक है, तो ये याद रखना। तो चैप्टर में दो पार्ट है, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रो डायनामिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब पता ही अपने को, स्टैटिक मतलब जो रेस्ट में है, फ्लूइड जो रेस्ट में है उसका जो स्टडी है इट इज इंक्लूडेड इन हाइड्रोस्टैटिक्स। और हाइड्रो डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब मोशन में है, तो हाइड्रोडायनामिक्स यानी फ्लूइड कायम है मोशन में। फ्लूइड मतलब होता लिक्विड एंड गैसेस। तो हम डेफिनेशन ये बोल रहे हैं फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस दैट फ्लोस। ये इंपॉर्टेंट है, जो सब्सटेंस क्या होते हैं, फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं होता। सॉलिड अगर क्यूब लेंगे वैसे ही रख देंगे सॉलिड बार, तो वो फ्लो नहीं होने वाला। लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं, फ्लो। अब कैसे फ्लो होते हैं वो समझा, जस्ट बेसिक ले रहे हैं अभी तो स्टार्टिंग में। तो हम फ्लूइड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी रेस्ट और मोशन के प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम फ्लूइड्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो पहला पार्ट है चैप्टर का हाइड्रोस्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट है हाइड्रो डायनामिक्स। तो अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है फ्लूइड्स की, तो ये मिटा देते हैं। तो हम दो चीजें स्टडी करने वाले हैं, फ्लूइड एट रेस्ट एंड फ्लूइड एट मोशन। सो नंबर फ्लूइड्स की डेफिनेशन, फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस दैट फ्लोज। अपने आप फ्लो नहीं होते, ऐसा नहीं कि अरे यार पानी बोलेंगे मैं बकेट में पड़ा हूं यार बहुत देर से थक गया चलो थोड़ा फ्लो हो गया था। नहीं, फ्लो कराने के लिए दो चीजें चाहिए। डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुए, फ्लो कब होगा? जब या तो क्या अप्लाई होगा, फोर्स, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट। देखो कहीं पे भी वर्ड आया ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब समझना, कहीं पे भी ग्रेडियंट वर्ड लिखा रहा तो समझना प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कहीं पे आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कहीं आएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ग्रेडियंट का मतलब ध्यान रखना डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला तो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बाद में आएंगे, देखते हैं हम। तो अब डेफिनेशन फ्लूइड्स की कंप्लीट होगी। व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस दैट फ्लोस। पर कब फ्लो होंगे? When first या तो force apply कर रहे हैं, when the force is applied, और क्या change हो रहा? Pressure gradient।
प्रेशर चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। एग्जांपल समझना, पानी अगर फ्लोर पे है तो वो फ्लो नहीं होता, उसको हम बोलते कि वो स्प्रेड हो गया था, उसको हम फ्लो नहीं बोलते। फ्लो कराना है कि जैसे माउंटेन्स है और ये सी है, तो पानी कैसे फ्लो होता, माउंटेन से सी की तरफ वाटर फ्लो। क्यों ऐसे फ्लो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा। आप देखो घर पे एक स्लोप पे पानी डालो तो पानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। हम जब बाथरूम या समझो गैलरी वगैरह में छत पे जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फ्लैट रूफ नहीं बनाते, स्लोप कहीं तो भी एक तरफ निकालते हैं। बाथरूम में भी जहां अपना ड्रेन का ओपनिंग होगा वहां की तरफ स्लोप रहता, ताकि जब हम पानी डालें तो पानी पूरा का पूरा स्लोप पे जाके इधर चला जाए, उस ड्रेन में चला जाए। नहीं तो तुम लोग ऐसे बनाएंगे ड्रेन यहाँ पे, तुम लोग इंजीनियर बनेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना, नहीं तो बाथरूम ऐसा नहीं बनाना। ये सर यहाँ ड्रेन बना लिए और यहाँ पानी जमा हो रहा, स्लोप इधर निकल लिए। तो याद रखना जब बाथरूम का कंस्ट्रक्शन होता या फिर छत का कंस्ट्रक्शन होता जो ओपन है, ठीक है, घर में रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट रखने की कोशिश करते, हॉल में भी स्ट्रेट रखने की कोशिश करते क्योंकि पानी का वहां पे कोई काम नहीं है। पर बाथरूम में समझो यहाँ कॉर्नर से स्लोप उस ड्रेन तक निकाला हुआ रहता, अपने को एकदम फील नहीं होता वो, पर वहां पे थोड़ा सा स्लोप रहता, एकदम स्ट्रेट नहीं रहता, स्लोप उस ड्रेन की तरफ रहता। ऐसा कभी नहीं बना सकते कि स्लोप इधर दे दिया, या फ्लैट बनाएंगे तो भी प्रॉब्लम जाएंगी, तो स्लोप ड्रेन की तरफ बनाते। तो स्लोप बनाने से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा स्लोप के ऊपर, यानी फोर्स की वजह से वो फ्लूइड क्या होगा, फ्लो, स्प्रेड होना नहीं, फ्लो देख रहे हैं हम लोग, फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो माउंटेन से रिवर फ्लो हो रही, या हाई प्लेन से रिवर फ्लो के कहां जाके मिक्स हो रही, सी में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा, फोर्स की वजह से फ्लो हो रहा। यहाँ पे हम स्लोप के टॉप पे पानी डालेंगे तो वो पानी फ्लो के नीचे जाएगा, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बाथरूम का एग्जाम्पल बनाया, बाथरूम में स्लोप ड्रेन की तरफ रखते हैं ताकि अगर आप यहाँ पे भी पानी डाले तो ड्रेन होके उस ड्रेन ओपनिंग तक जाना चाहिए, ठीक है, बह के वहां तक जाना चाहिए, फ्लो होके वहां तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं बना सकते कि ड्रेन थोड़ा हाइट पे, हम बाथरूम का स्लोप इधर निकल लिए, बस यहाँ पानी गिराएंगे वो वहीं जमा रह जाएगा, वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो पहला हो गया फोर्स, ठीक है। तो फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस दैट फ्लोस, मगर कब फ्लो होंगे, When either force is applied और क्या apply होगा, pressure gradient, दोनों में से कोई एक चीज apply होगी तभी वो flow होंगे fluids, otherwise नहीं। तो fluids है liquid and gases, both are fluids, solid flow नहीं होते हैं, तो fluids मतलब liquid and gases। तो ये force का example हो गया, pressure का example समझो, pressure gradient का। अब देखो ये हमारा टायर bicycle का ही लेते, ठीक है, इसको पूरा हमने हवा से भरा हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक नॉब रहता जहां से पंप से हवा भरी जाती है अंदर, तो ये पैक है समझो, ठीक है, उस पर एक नॉब रहता, अगर आप वो नॉब घुमा देंगे तो हवा बाहर की तरफ आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि अंदर है हाई प्रेशर। अगर आप टायर को प्रेस करेंगे, टायर को जब आप प्रेस करके देखेंगे तो यू कैन फील दैट प्रेशर, टायर के अंदर जब हवा भरते, या बलून में, बलून में जब आप हवा भरते, बलून का भी एग्जाम्पल ले सकते, और इसमें अभी बंद किया हुआ है हमने और इसमें एयर है, तो अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो प्रेस होगा, शेप चेंज होगा, बट यू कैन फील दैट प्रेशर, कि अंदर प्रेशर है। टायर अपन जब हवा भराने जाते तो कभी हो सकता है कि अपन देख लिए उसको, बाइक में तो हम दबा के नहीं देखते, उसमें वो मशीन आती, प्रेशर गिरने का गेज आता, उससे हम लोग मेजर कर लेते, पर बाइसिकल में हवा गिरने का गेज जनरली यूज नहीं करते, वो हाथ से ही दबा के देख लेते कि वो दब रहा तो समझो अंदर एयर का प्रेशर कम है, अगर टायर नहीं दब रहा तो प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो बाहर के इससे अंदर हाई प्रेशर है और एटमॉस्फेयर में कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर। अगर मैं इस नॉब को खोल दूं तो एयर आएंगी बाहर की तरफ, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू सराउंडिंग लो प्रेशर एरिया, एटमॉस्फेयर से टायर के अंदर जाएंगी क्या, नहीं जाएंगी। उसी तरह बलून को ओपन कर दूं तो यहां है हाई प्रेशर और बाहर है लो प्रेशर, तो बलून में से हवा बाहर की तरफ आएंगी, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो इसी को हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। सॉरी,
ठीक है ना। तो एयर फ्लो होती फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, यानी क्या तय होना चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट। हम अर्थ पे हैं, अर्थ पे भी एयर बोलो या ब्रीज बोलो फ्लो होती, ऐसा इसलिए होता क्योंकि अर्थ पे हर जगह टेम्परेचर अलग-अलग है। अगर टेम्परेचर अलग-अलग है अर्थ पे हर जगह, तो डेफिनेटली प्रेशर भी अलग-अलग होगा टेम्परेचर की वजह से, इसीलिए एयर ब्लो होती। ठीक है, अपन देखते हैं हरिकेन्स है, टोर्नेडोज है या ब्रीज है, हल्की हवा भी ब्लो हो रही, तो हवा ब्लो इसीलिए हो रही क्योंकि अर्थ पे अलग-अलग जगह पे अलग-अलग टेम्परेचर है। सपोज दिस इज अर्थ, तो टेम्परेचर यहाँ पे अलग है, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T3 है, हर जगह टेम्परेचर अलग है। जहां टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, वहां प्रेशर लो हो जाता, और जहां टेम्परेचर लो है वहां प्रेशर क्या हो जाता, हाई। तो टेम्परेचर डिफरेंस, अर्थ पे अलग-अलग जगह अलग-अलग टेम्परेचर है, जिसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस तैयार होगा, उसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर ब्लो होती है। ठीक है, तो अर्थ पे जो एयर फ्लो है या ब्रीज है, जो भी आप बोलना चाहे, तो वो किसकी वजह से हो रही, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से हो रही, प्रेशर डिफरेंस। अगर आपने सुना होगा सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, तो दैट इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। ये सी है और ये लैंड। ये समुद्र है, ठीक है, सी है, वेव्स बना दिया, और ये लैंड है, सॉलिड। ठीक है, तो सन है, ठीक है, रेडिएशन यहाँ पे भी गिर रहा है, रेडिएशन यहाँ पे भी गिर रहा है, बट होता क्या, पानी को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, उसका टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं होता, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती, तो यहाँ टेम्परेचर हो गया है हाई, टेम्परेचर हो गया हाई, ठीक है, टेम्परेचर हाई हो गया, तो यहाँ लैंड जल्दी गर्म हो गई, जबकि यहाँ टेम्परेचर है लो। होता क्या, जहाँ टेम्परेचर हाई हो गया वहां की हवा गर्म हो जाएंगी, देखो जमीन गर्म हो गई तो हवा गर्म हो गई, हवा गर्म हुई तो हवा जो गर्म हुई है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो, जो हवा गर्म हुई है वो एक्सपांड हुई है, एक्सपांड हुई है तो डेंसिटी कम हो गई। जैसे हम हॉट एयर बलून में, हॉट एयर बलून में आप लोगों ने देखा होगा ना, ये बलून है, यहाँ पे एक बर्नर रहता जिसमें से फ्लेम निकलते रहते, नीचे बास्केट वगैरह है, लोग है उसमें, ये बास्केट, तो ये जो फ्लेम है वो बलून के अंदर की हवा को गर्म करती है, हवा अंदर की जब गर्म होंगी तो एयर एक्सपांड होगी, एयर एक्सपांड होगी तो डेंसिटी कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो हॉट एयर बलून में ऐसा ही लॉजिक यूज होता। ठीक है, ये बास्केट है, इसमें लोग है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर गर्म हुआ, एयर ऊपर चली गई, अब एयर थोड़ी कम हो गई, मतलब यहाँ क्या तैयार हो गया, लो प्रेशर, यहां टेम्परेचर लो है सी पे अभी, तो टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है मतलब प्रेशर हाई, तो एयर ब्लो होगी दिन में सी टू लैंड, दिस इज विंड, या एयर फ्लो बोल सकते हैं, फ्रॉम सी टू लैंड, तो दिन में एयर ब्लो होती फ्रॉम सी टू लैंड, समझना, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज समझा। सो दिन में यहां हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर की इससे लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो, तो ये हो गया दिन में, तो दिन में जो एयर फ्लो होंगी वो फ्लो होंगी फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस तैयार हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं रात में क्या होता, ड्यूरिंग नाइट मून है, ये जो लैंड है वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है, पानी क्या होता था, जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता, आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट पढ़ा होगा, हमारा वो देखा है, आएगा हमारे को भी, पर केमिस्ट्री में देखा होगा स्पेसिफिक हीट वाटर की नोन सॉलिड्स और लिक्विड में सबसे ज्यादा है, मतलब उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर उसका कम राइज होता। ठीक है, तो
तो उसको गर्म करने के लिए भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा और ठंडा करने के लिए भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो लैंड रात में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, मतलब ठंडी हो गई, तो यहां अब टेम्परेचर हो चुका है लो, टेम्परेचर हो गया लो। अब यहां जो टेम्परेचर है वो इसका मतलब हाई है, जल्दी ठंडा नहीं हुआ। अब यहां की एयर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी गर्म होके, तो यहां तैयार हुआ है, नीचे लिख देता, लो प्रेशर तैयार हुआ है। अब यहां टेम्परेचर लो है मतलब यहां होगा हाई प्रेशर। तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा ब्लो होगी, तो लैंड टू सी, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ये आप लोगों को हुआ होगा बचपन में, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो दिन में हवा की डायरेक्शन थी सी टू लैंड और रात में रहेगी लैंड टू सी, लैंड से सी की तरफ। तो ये तैयार होता प्रेशर डिफरेंस की वजह से, यानी प्रेशर ग्रेडियंट। और पूरे अर्थ पे भी जो विंड ब्लो हो रही है, एयर ब्लो हो रही है, या हरिकेन्स या टॉर्नेडोस तैयार होते हैं, वो भी किसकी वजह से तैयार होते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर डिफरेंस की वजह से। पानी फ्लो हो रहा माउंटेन से रिवर्स के थ्रू सी तक, वो भी किसकी वजह से? फ्लो हो रहा फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अब अपन डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स के एग्जांपल है लिक्विड एंड गैसेस। तो डेफिनेशन हम लोग अब पूरी कैसे लिखेंगे, फ्लूइड्स की डेफिनेशन हम पूरी लिखेंगे, फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस दैट फ्लोज व्हेन आइदर फोर्स इज अप्लाइड और प्रेशर ग्रेडियंट इज अप्लाइड। एग्जांपल है लिक्विड एंड गैसेस, तो या तो फोर्स लगेगा या प्रेशर डिफरेंस अप्लाई होगा तो ही फ्लूइड्स फ्लो होंगे। अच्छा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये तो फ्लूइड्स है, 11th में हमारा हुआ था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसमें तीन थे, देखो पहला था यंग्स मॉडुलस, जिसको हमने डिनोट किया था वाई से। ये हुआ है जैसे ये चैप्टर की हेडिंग है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, 11th में एक चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वही है। तो उसमें था एक यंग्स मॉडुलस, एक था बल्क मॉडुलस और एक था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसका सिंबल वाई, इसका सिंबल के और इसका सिंबल ईटा। फॉर्मूले देख लेने एक बार, तो वाई का फॉर्मूला था वाई इज इक्वल्स टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, के का फॉर्मूला था वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस टू वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेन, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला यहां लिख लेते, ईटा का शियर स्ट्रेस और अपॉन में शियर स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कैन ऑल्सो बी नोन एज शियर मॉड्यूलस, इसको शियर मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है शियर मॉड्यूलस। ठीक है, नहीं याद आ रहा होगा तो एक बार टेक्स्ट बुक खोलो 11 की, ये देख लो। अब ध्यान से देखना, वहां लिखा था कि ये जो है यंग्स मॉडुलस, इस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली, बल्क मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड एज वेल एज गैस, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए अप्लाई होगा। एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ओनली, ये और ये सिर्फ सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, बल्क मॉडुलस आप तीनों को लगा सकते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब इसका यहां क्या काम है वो भी समझा देता, देख लो पहले एक बार ये।
अगर याद नहीं आ रहा होगा तो देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, बाद में भी काम आएंगे हमारे। तो एक बार मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स 11 का चैप्टर देख लेना। तीन मॉड्यूलस थे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क मॉड्यूलस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। इस स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि सब तरफ से कौन सा फोर्स था, नॉर्मल फोर्स। ये मैं एक बार बता दूंगा आप लोगों को। और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, ए था शियर मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ये एक बार देख लेना। तो हम ये बोल रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और यंग्स मॉड्यूलस, तो वो छोड़ दें, एक बार ये भी याद रखो। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी डेफाइनाइट शेप, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज टाइप की है सॉलिड की। सो फॉर फ्लूइड्स के लिए ईटा की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, याद रखना है, फिल द ब्लैंक के लिए, फ्लूइड्स के लिए ईटा की वैल्यू जीरो। और यंग्स मॉडुलस नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में भी, नोट्स में भी नहीं लिखा हमने, पर जब मैंने पढ़ाया था तो तब बताया था लोगों को, ये याद है वाई की वैल्यू भी जीरो। तो भी याद रखो, यंग्स मॉडुलस भी जीरो है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जीरो है। इसका मतलब लिक्विड और गैसेस को आप लोग शियर स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अप्लाई शियर स्ट्रेस, या हम ऐसा बोल सकते हैं दे विल नॉट अपोज शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस को अपोज नहीं करेंगे। जबकि सॉलिड में आप शियर स्ट्रेस लगा सकते हैं, यानी एक समझो ब्लॉक है मेरे पास, मैंने उस पे फोर्स लगाया, जो ब्लॉक ऐसा था, फोर्स लगा के थोड़ा टेढ़ा किया मैंने, अब मैं फोर्स हटा लूं तो वो वापस सीधा हो जाना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी काय में है, सॉलिड्स में। सॉलिड्स को आप शियर स्ट्रेस लगा सकते हैं, बट ईटा के वैल्यू लिक्विड और गैसेस के लिए जीरो है, मतलब दे विल नॉट क्रिएट एनी अपोजिशन फॉर शियर स्ट्रेस अपोजिशन क्रिएट नहीं करे। ठीक है, तो याद रखना है, फॉर फ्लूइड्स ईटा और वाई दोनों की याद रखो, टेक्सटबुक में ईटा के बारे में दिया है पर वाई के बारे में भी याद रखना। तो ईटा की वैल्यू जीरो, वाई की भी वैल्यू जीरो, किनके लिए, फ्लूइड्स के लिए यानी लिक्विड और गैसेस के लिए। तो ये और ये सिर्फ सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज है, सॉलिड ही शियर स्ट्रेस को अपोजिशन क्रिएट करेगा। तो जब आप अप्लाइड फोर्स हटा देंगे वो बॉक्स वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएंगे, बट लिक्विड एंड गैसेस के लिए ईटा की वैल्यू जीरो है, मतलब आप उनको शियर स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये देख लो, ये बता दें एक बार थोड़ा सा डिटेल में, ये दोनों हटा रहे वापस। तो याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक के लिए, फॉर लिक्विड एंड गैसेस और इन शॉर्ट फॉर फ्लूइड्स ईटा इज जीरो, वाई इज ऑल्सो जीरो, मतलब हुआ कि जो शियर स्ट्रेस है आप लोग फ्लूइड्स को अप्लाई नहीं कर सकते, या फ्लूइड्स विल नॉट क्रिएट एनी अपोजिशन फॉर शियर स्ट्रेस, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या है इसको नोट्स डालेंगे मैंने, आप लोग उसमें से देख सकते हैं पढ़ना है तो, अगर कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी रहते बेटा लिखना चाहते तो लिख सकते। ठीक है, सेकेंड वाला मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिल द ब्लैंक के लिए डेफिनेटली याद रखना, फॉर लिक्विड एंड गैसेस इन शॉर्ट फॉर फ्लूइड्स ईटा इज जीरो और वाई इज आल्सो जीरो, मींस दे विल नॉट क्रिएट एनी अपोजिशन फॉर शियर स्ट्रेस, दे विल नॉट क्रिएट एनी अपोजिशन फॉर शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस के लिए अपोजिशन कौन क्रिएट करता है, सॉलिड्स, क्योंकि वो दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ सॉलिड्स की है। तो ये याद रखना, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, और इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक है, देखो तो सेकेंड वाला मैं वो समझा देता, बल्क बल्क मॉड्यूलस, जो आप लोग फ्लूइड्स को अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड और गैसेस को अप्लाई कर सकते हैं, सॉलिड को भी बट लिक्विड और गैसेस को भी। ये डायग्राम निकाल था हमने, यहाँ पे सब तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई होगा, नॉर्मल नॉर्मल फोर्स सब तरफ से। ठीक है, सो के इज पहले स्ट्रेस करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, बाकी सब जगह हमने उसको प्रेशर नहीं लिखा था, पर यहीं पे हम लोग प्रेशर लिख लें और इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम। फिर से बोल रहा, ज्यादा डिटेल में नहीं ले सक रहे, फिर भी एक बार शॉर्ट में मैं बता रहा, अगर आप लोगों को थोड़ा डाउट आए, इसमें तो एक दो लाइन ही लिखे है पर समझ के करना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव वालों को कहाँ से कोई क्वेश्चन आए कोई बोल नहीं सकता, या फिल इन द ब्लैंक में कौन सा क्वेश्चन आएगा बोल नहीं सकते, इसलिए फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक बार जस्ट रिवाइज कर लो,
अब यहाँ आया ही है तो रिवाइज कर लो, कॉम्पिटिटिव वालों को काम ही आएगा, इलेवेंथ वालों को भी एक दो जगह तो फॉर्मूले काम ही आएंगे, तो पढ़ लो एक बार। यंग्स मॉडुलस में भी बेसिक फॉर्मूला वही था फोर्स अपॉन एरिया, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में भी फॉर्मूला वही था फोर्स अपॉन एरिया, बट इसी में हमने चेंज इन प्रेशर लिखा है क्योंकि नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा सब तरफ से। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था स्पॉन्ज का एक स्पीयर लो, मेटल का भी स्पीयर चलेगा, आप उसको सी में लेके जाओ तो सी में जैसे जैसे आप जाएंगे पानी का प्रेशर उस पर बढ़ते जाएगा और उसकी साइज कम होते जाएंगे, स्पॉन्ज वॉल में वो विजिबल रहेगा, क्यों? क्योंकि वो आराम से कॉम्प्रेस हो सकता है, पर मेटल का स्पीयर भी कॉम्प्रेस होता पर वहां विजिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। या मैंने एग्जांपल बताया था अगर आप नहाते समय बाल्टी भरी हुई है पानी में और बकेट में मग उल्टा कर दो, ये मग उल्टा किया, अब इसमें सिर्फ एयर है तो एक दो एयर बबल थोड़े से रिलीज करो उसमें से, तो देखो जब निकलता तब एयर बबल छोटा रहता पर जैसे जैसे वो ऊपर आएगा उसकी बबल की साइज क्या होती जाएंगी, इंक्रीज, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा था, जैसे जैसे ऊपर आएगा प्रेशर कम होते जाएगा, एयर बबल की साइज बढ़ती जाएगी, वही हम यहां बोल रहे हैं। और वॉल्यूम स्ट्रेन था चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, फिर बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमने बनाया था, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन इट इज इक्वल टू बीपी, और अपॉन में तो इनटू लिखा था v अपॉन b, तो ये फॉर्मूला बनाया। तो ये बल्क मॉडुलस आप फ्लूइड्स को अप्लाई कर सकते हैं, सॉलिड को भी अप्लाई कर सकते हैं, तो याद रखो फ्लूइड्स को आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं यानी नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, इन शॉर्ट याद रखो ये है प्रेशर, प्रेशर में जो फोर्स रहता वो नॉर्मल फोर्स है, ये जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है, याद रखो नॉर्मल फोर्स। तो फ्लूइड्स को आप शियर स्ट्रेस नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ईटा की वैल्यू जीरो है, वो शियर स्ट्रेस को अपोज नहीं करेंगे, शियर स्ट्रेस मतलब चेंज इन शेप को अपोज नहीं करेंगे, बट सॉलिड अपोज करते, ठीक है? तो याद रखो फ्लूइड्स के लिए ईटा की वैल्यू जीरो है, मगर फ्लूइड्स के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू जीरो नहीं है, तो आप फ्लूइड्स यानी लिक्विड और गैसेस को कौन सा मॉडुलस लगा सकते हैं, बल्क मॉडुलस, यानी क्या अप्लाई कर सकते हैं आप प्रेशर, यानी क्या अप्लाई कर सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स, कौन सा फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया एंड दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये सब याद रखो, देख लो एक बार ये फिर बेटा बेसिक ही चल रहा है अभी ना, तो याद रखना शियर मॉडुलस फॉर फ्लूइड्स इज जीरो, तो फ्लूइड्स को आप सिर्फ सब्जेक्ट कर सकते नॉर्मल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ये नॉर्मल प्रेशर कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग, कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी वही वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है? तो आप फ्लूइड्स को कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड एंड गैसेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब कैसा फोर्स लगाएंगे परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, याद रखते हैं इतना नोट डाउन करो, फिर फ्लूइड्स के कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं फिर आगे चलते हैं। याद रखना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगा सकते हैं आप, यानी कॉम्प्रेस कर सकते हैं इसको फ्लूइड्स को, थीटा और वाई जीरो है यानी शियर स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस भी लिख सकते हैं आप, फ्लूइड्स को अप्लाई नहीं कर सकते, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली, तो शियर स्ट्रेस के लिए ये दोनों अपोजिशन क्रिएट नहीं करते, याद रखना। आप क्या अप्लाई कर सकते हैं वहां पे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोल सकते, कॉम्प्रेस, ये हो गया। आगे चलते प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स क्या है हो ही चुकी है और कुछ बदल जाते हैं, याद रखना शियर स्ट्रेस लिक्विड और गैसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर कौन सा स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं या कौन सा मॉडुलस अप्लाई कर सकते हैं, बल्क मॉडुलस, और उसमें जो स्ट्रेस है वो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी दे डू नॉट
not oppose deformation. ये याद रखना, डेफिनेशन फिर से एक बार बताएगा, व्हाट आर फ्लूइड्स, फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस दैट फ्लोस, मतलब वो कब फ्लो होंगे, जब या तो फोर्स होगा अप्लाई होगा उन पे, या क्या अप्लाई होगा, प्रेशर ग्रेडियंट, एग्जांपल समझाएगा, दे डू नॉट अपोज डीफॉर्मेशन, यानी वो आराम से डिफॉर्म हो जाएंगे, दे डू नॉट अपोज डीफॉर्मेशन. सेकेंडली ये भी हमारा या हमको पता है, any fluids take the shape and size of the container. We take the shape and size of the container. Pehla, they do not oppose deformation and they take the shape and size of the container. And third likh sakte jo humne bataya hai abhi. They have ability to flow. जो की definition में they have the ability to flow. These are the properties of fluids जो actual में उनमें है. But जब हम ये chapter study करेंगे, जैसे हम projectile motion study करते तो हम friction count नहीं करते, या बहुत सारे motion जब हम study करते तो friction count नहीं करते. क्यों नहीं काउंट करते, कि हम बस बेसिक समझना चाहते हैं. फ्रिक्शन ऐड करेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे, तो ये उसके जनरल प्रॉपर्टीज है. पर हम ये चैप्टर स्टडी करते समय आइडियल फ्लूइड, यानी ऐसा फ्लूइड लेंगे जो आइडियल है, यानी ये प्रॉपर्टीज में से थोड़े हम उसमें चेंज करेंगे. तो हम ये चैप्टर स्टडी करते समय कौन से प्रॉपर्टीज कंसिडर करेंगे वो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा. बट याद रखो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है तो ये तीन लिखना. क्या लिखेंगे? दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, कॉम्प्रेस कर सकते हैं आप उसको आराम से. They take the shape and size of the container. ये तो हमको पता ही है कि आप जिस कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर का शेप और साइज ले लेंगे, यानी वो आराम से क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म. They have the ability to flow, जो हमने डेफिनेशन में लिखा है. बट इस चैप्टर में उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, तो प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हम लोग कुछ अजम्पशंस लेंगे. अब मैं बताता हूँ आप लोगों को वो अजम्पशंस क्या ले रहे हैं. ठीक है, जैसे हमने रोटेशनल डायनेमिक स्टडी किया, तो रोटेशनल मोशन में हमने ऐसा इमेजिन किया था कि हम रिजिड बॉडी को अप्लाई कर रहे हैं, बट परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट हम इमेजिन कर रहे थे कि हम उनको रिजिड बॉडीज को ही अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो अजम्पशंस, जैसे हम मोशन स्टडी किए, 11th में भी स्टडी किए, कॉम्पिटिटिव का भी बताया मैंने, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने बोला कि हम फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे. प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ा तो हमने बोला कि हम उसमें फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे. तो चैप्टर पढ़ते समय हमने ऐसा इमेजिन कर लिया कि हम फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे. तो ये चैप्टर में प्रॉपर्टीज पढ़ते समय जब हम फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम कुछ अजम्पशंस लेंगे. अब मैं वो अजम्पशंस बता रहा आप लोगों को, तो वो देखना. पहले ये प्रॉपर्टीज देखते हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. अब देखो, अब हम ले रहे हैं अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं आइडियल फ्लूइड्स के. जनरली आइडियल फ्लूइड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट आइडियल फ्लूइड के अजम्पशंस ले रहे हैं या प्रॉपर्टीज ले रहे हैं ये चैप्टर स्टडी करने के लिए. पहला हम लोग ले रहे हैं, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. ठीक है, दैट इज अगर हम कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या चेंज होगी, डेंसिटी. तो डेंसिटी हम कॉन्स्टेंट लेंगे. सीरीज कांस्टेंट ऐसा कंसीडर करेंगे. तो देखो, जैसे बलून में अगर गैस है तो हम उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, और वो आराम से कंप्रेस भी हो जाएगा. बट वाटर को अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उसको बहुत ज्यादा आप कंप्रेस नहीं कर सकते, तो वो अपोज करता कंप्रेशन को. इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. लिक्विड को हम इनकॉम्प्रेसिबल कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, ये चैप्टर में हम स्टडी करते समय देखेंगे कि इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, ऐसा हम लोग इमेजिन करेंगे. देन यानी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट. कंप्रेस करना मतलब मॉलिक्यूल्स पास-पास में आ जाएंगे, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. तो हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि इनकॉम्प्रेसिबल है, यानी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट. पहला अजम्पशन. सेकंड देखते,
शॉर्ट विस्कस यानी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन, हम ऐसा इमेजिन करेंगे। तो विस्कस फोर्स नहीं है, विस्कस फोर्स मतलब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन। तो याद रखना, नाम बदलाए खाली, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते, लिक्विड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन रहता उसको हम नाम दिए हैं विस्कोसिटी। तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, इट इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब ये चैप्टर में हम फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, जो कि आइडियल तो मिलने ही नहीं वाला। फ्रिक्शन रहता लेयर्स के बीच में, बट फ्रिक्शन रहा तो क्या होगा, यही चैप्टर में आएगा जब हम क्या स्टडी करेंगे, व्हेन द फ्लूइड विल बी इन मोशन, तो हम वहां फ्रिक्शन के बारे में भी देखेंगे कि फ्रिक्शन काउंट करेंगे। बट अभी हम सब जो पहला पार्ट ले रहे हैं, जहां स्टैटिक है, हाइड्रोस्टैटिक यानी फ्लूइड काय में है, रेस्ट में। तो ये अजम्पशन देखो, पहले याद रखो इट इज इनकॉम्प्रेसिबल ले रहे हैं, कि आप उसको फ्लूइड को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। और याद रखना, लिक्विड बेसिकली इनकॉम्प्रेसिबल ही है, आप उसको ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। भले गैसेस को आप ज्यादा कॉम्प्रेस कर सकते, पर लिक्विड को ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, यानी डेंसिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। सेकेंड अजम्पशन ले रहे, इट इज नॉन विस्कस यानी विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी मतलब होता फ्रिक्शन, फ्रिक्शन काउंट नहीं करने वाले, फ्रिक्शन का नाम है खाली विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी भी बोल सकते। तो इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, जब पानी मूव होता तो उनकी जो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है वो हम अभी फिलहाल काउंट नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे इट इज नॉन विस्कस, यानी विस्कोसिटी यानी फ्रिक्शन क्या ले रहे हैं हम लोग, जीरो। वी आर सेइंग दैट देयर इज नो फ्रिक्शन, हम बोल रहे हैं नो फ्रिक्शन, हम नो फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं, यानी विस्कोसिटी नहीं है, या विस्कस फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये दो अजम्पशन हो गए। देखियो, थर्ड इज इट्स फ्लो, जो फ्लो हम लोग देखेंगे इज इररोटेशनल, यानी जो फ्लो है वो होना चाहिए स्टेडी, स्टेडी फ्लो। जैसे अगर आप लोग देखेंगे रिवर, रिवर में जब बाढ़ आती है तो कहीं पे ऐसा सर्कुलर तैयार होता, कहीं पे zigzag पानी उछलते हुए जाते हुए दिखेगा, पर वहीं पे अगर स्टेडी है, मतलब जैसे बाढ़ नहीं है, रिवर में पानी कम है, रिवर आराम से फ्लो रही, स्टेडी फ्लो, सीधा फ्लो एकदम, ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि पानी फ्लो हो रहा करके, स्टेडी फ्लो। तो हम स्टडी करने वाले हैं अभी फिलहाल स्टेडी फ्लो, इररोटेशनल वाला भी आएगा बाद में, पर अभी फिलहाल हम लोग फ्लो इज इररोटेशनल। इररोटेशनल मतलब स्टेडी है, ऐसा रोटेटिंग या zigzag मोशन फ्लूइड में नहीं है, ऐसा हम इमेजिन कर। पाइप में भी देखो, पाइप में अगर स्पीड कम है पानी की तो जो फ्लो रहेगा वो स्टेडी रहेगा, बट अगर हम बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा दे तो देखो पाइप में से भी पानी zigzag निकलेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा वो, देखना। तो बाढ़ आती तब पानी में जो रिवर में स्पीड भी बढ़ जाती और मास भी बढ़ जाता वाटर का, तो zigzag शुरू हो जाता, रोटेशनल चालू हो जाता, बट हम स्टेडी फ्लो लेंगे। देखो थर्ड असम्पशन, तो याद रखो इट्स फ्लो इज इररोटेशनल, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल मतलब स्मूथ है, स्मूथ है, इसको हम टर्बुलेंस बोलते हैं। टर्बुलेंस बोलेंगे इसको, तो टर्बुलेंस नहीं है ऐसा हम इमेजिन करेंगे। देख लो, टर्बुलेंस बोलते इसको, टर्बुलेंस नहीं है, फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी, ठीक है। स्टेडी फ्लो का मतलब होता वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वो हम फोर्थ में भी डाल सकते हैं, स्टेडी फ्लो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी फ्रिक्शन। तो लिक्विड के लेयर्स या फ्लूइड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, इट इज कॉल्ड विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स, तो फ्रिक्शन हम काउंट नहीं कर रहे। इट्स फ्लो इज स्टेडी मतलब टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए, यानी फ्लो होना चाहिए स्टेडी, स्टेडी फ्लो मतलब वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है, बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये चार असम्पशन लेके अब हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर के दो पार्ट है, पहला पार्ट अब हम इसके बाद जो शुरू करेंगे वो है पार्ट वन,
हाइड्रोस्टैटिक्स, पार्ट वन में हम स्टडी करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। देखिए तो हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट फ्लूइड का में रेस्ट में। तो पहले पार्ट में हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे यानी फ्लूइड एट रेस्ट। तो वो पार्ट होने के बाद हाइड्रोडायनामिक्स मतलब फ्लूइड्स इन मोशन। ये देखो फिर चलते हैं फर्स्ट पार्ट में। जब हाइड्रोडायनामिक्स आएंगे ना, हाइड्रोडायनामिक्स में हम फ्रिक्शन भी काउंट करेंगे, उसके हिसाब से भी बताएंगे कि मोशन कैसे होगा, और हम टर्बुलेंस भी काउंट करने वाले हैं। पर जब हम हाइड्रोडायनामिक्स स्टडी करेंगे, अभी हम ले रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, तो अभी हम हाइड्रोस्टैटिक्स के लिए अजम्पशन देख लो। हाइड्रोडायनामिक्स में हम फ्रिक्शन भी काउंट करेंगे और टर्बुलेंस भी काउंट करेंगे, देखेंगे बाद में उसको। तो याद रखो फ्लूइड्स आर द मटेरियल और सब्सटेंस दैट फ्लोज, और लिक्विड और गैसेस है। तो ये देख लो एक बार, फिर अब आगे चलते फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। प्रॉपर्टीज देख लो फिर आगे चलते। अब देखो अब हम आगे पार्ट वन पे अब शुरू कर रहे हैं, फ्लूइड्स एट रेस्ट स्टडी करने वाले। इट इज इंक्लूडेड इन द ब्रांच हाइड्रोस्टैटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद फ्लूइड्स एट रेस्ट, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। और ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद फ्लूइड्स इन मोशन इज इंक्लूडेड इन हाइड्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब मोशन में, अभी यहाँ स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब रेस्ट में, तो नाम पर से याद रखो, स्टैटिक मतलब रेस्ट, डायनामिक्स मतलब मोशन। ठीक है, तो अब हम ये हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद फ्लूइड्स एट रेस्ट, हाइड्रोस्टैटिक्स स्टैटिक है, स्टैटिक। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज रेस्ट में, यहां फ्लूइड का में रेस्ट में। तो फ्लूइड एट रेस्ट का स्टडी जो है वो है इंक्लूड किया हाइड्रोस्टैटिक्स में। जो फ्लूइड एट रेस्ट है उसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी है, इट एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ओपन कंटेनर बोल सकते। बॉटम एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि वो क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर। एग्जाम्पल समझना, टायर में हमने हवा भर ली, अब होता ना कि हम बाइसिकल के एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि हम उसको हाथ से प्रेस करके देख लेते कि वो हवा कम है या ज्यादा है, तो हम हाथ से प्रेस करते उसको। अगर वो टायर प्रेस हो रहा तो हम बोलेंगे यार अंदर प्रेशर कम है। तो टायर के जो वॉल्स है उस पर एयर, ये समझो थोड़ी बड़ी डायग्राम ही बना रहा है, यस यहाँ वो नॉब है जहाँ से हम हवा भरने वाले हैं, ठीक है। तो टायर के अंदर एयर है, हवा भरे, तो एयर के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है रैंडमली, सब तरफ कोलिजन होगा, तो उन कोलिजन की वजह से ये जो वॉल है उस पर क्या क्रिएट होता, प्रेशर। कोलिजन मतलब फोर्स, और फोर्स याद है ना प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स जो एक्ट होगा पर यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड प्रेशर। तो अभी तो ये गैस का देख रहे हैं हम लोग कि टायर में जब हम हवा भरेंगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स बाउंडेड है, इस टायर में बाउंडेड है वो अंदर, ठीक है, यहां पूरा एयर है, जिसके मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं है, मूव हो रहे कंटिन्यूअसली, वो वॉल के साथ कोलाइड होंगे, कोलिजन की वजह से वॉल पे क्या क्रिएट होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया या नॉर्मल फोर्स, याद रखना फोर्स नॉर्मल होना चाहिए, दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आप टायर दबा के देखेंगे, अगर वो थोड़ा सा प्रेस हो रहा होगा, ऐसे दब रहा होगा हाथ से, तो हम बोलेंगे यार एयर प्रेशर थोड़ा कम है, फिर हम उसमें उनको बोलेंगे भैया थोड़ी और हवा भरो, फिर थोड़ी वो और हवा भरेंगे, अब आप दबा के देखेंगे अगर वो प्रेस नहीं हो रहा मतलब प्रेशर ज्यादा हो गया। ज्यादा भी प्रेशर नहीं करना है, नहीं तो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि वॉल पे इतना ज्यादा फोर्स लगेगा कि वो बर्स्ट हो जाएंगे, उतना भी नहीं हवा भरना है। तो याद रखो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एक्ट हो रहा, ठीक है। बॉटम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, इसमें पानी भरा है, फ्लूइड है, वाटर ले लो एग्जाम्पल, तो इसके बॉटम पे उस पानी का वजन एक्ट हो रहा, वॉल्स पे भी हो रहा पर पानी के बॉटम पे भी हो रहा, तो वहां पे क्या क्रिएट होगा, प्रेशर। तो आप देखो जब
सी डाइविंग करते हैं। तो सी डाइविंग अगर करना है थोड़ा सा है 10 मीटर 20 मीटर तो कोई फर्क नहीं है, जाके वो बिना किसी इक्विपमेंट के भी वापस आ सकते हैं। बट अगर डीप सी डाइविंग करना है यानी बहुत डीप जाना है पानी में, तो ये टायर हटा देते हैं, टायर होने से एग्जाम्पल ये ना यहाँ बना रहे सी, तो ये सी है ना। जितना आप डीप जा रहे हैं, जैसे समझो पहले यहाँ तक है, अरे यार इंसान नहीं बन रहा, चलो ठीक है, फिर आप और डीप गए यानी आप यहाँ तक आ गए, तो आप जितना डीप जाएंगे, आप जितना डीप जा रहे हैं आप पानी के वेट के नीचे दबते जा रहे हैं, यानी आपके ऊपर पहले देखो समझ ले इतना नहीं, ठीक है। तो आप पहले यहां तक ही डीप गए, तो आप डीप इतना गए तो आपके ऊपर पानी इतना है, अब आप यहां तक आ गए तो पानी का जो वेट है आपके बॉडी पे ऊपर जो है वो वाटर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, फिर आप यहां तक आए तो और ज्यादा क्वांटिटी बढ़ गई। तो जितना आप डीप जाएंगे सी में यानी बॉटम में जा रहे हैं हम, नीचे नीचे जा रहे हैं, तो क्या इंक्रीज होते जाएगा प्रेशर, क्योंकि क्या बढ़ते जा रहा फोर्स हमारी बॉडी पे, वो पानी हम पानी के नीचे दबते जा रहे हैं ऐसा इमेजिन करो, हमारे बॉडी पे क्या इंक्रीज होते जा रहा फोर्स इंक्रीज होते जा रहा, दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आप अगर बहुत ज्यादा डीप डाइविंग करना है तो आपको स्पेशली डिजाइन सूट पहन के जाना पड़ता और ऑक्सीजन भी लेके जाते वो लोग, क्योंकि ज्यादा डीप जाना है पानी में तो सांस ले नहीं पाएंगे और पानी का प्रेशर हमारे बॉडी पे पड़ेगा, लंग्स और हार्ट पे भी प्रेशर पड़ेगा उसका, अंदर दबेंगे वो तो फिर वो बेहोश भी हो सकते हैं अपन, तो स्पेशली डिजाइन सूट पहन के जाते हैं। तो सूट पहन के भी जाएंगे स्पेशली डिजाइन तो भी एक डेप्थ तक जाएंगे, उससे ज्यादा डीप वो सूट पहन के भी आप नहीं जा सकते। सी में ट्रेंचेज है, ट्रेंचेज यानी ऐसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, डीपेस्ट रेंज तक अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, सबमरीन भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही पानी का प्रेशर सहन कर सकती, उससे ज्यादा डीप सबमरीन भी नहीं जा सकते। तो ये याद रखो जितना आप डीप जाएंगे आपके बॉडी पे पानी का फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स आपके बॉडी के एरिया पे इंक्रीज होते जाएगा, मतलब क्या इंक्रीज होते जाएगा बॉडी पे प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन आवर बॉडी पर यूनिट एरिया गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो हमारे फेफड़ों पे हमारे दिल पे वो ब्लड प्रेशर भी चेंज होता, तो कुछ कुछ लोग ऐसे रहते जो बेहोश भी हो जाते अगर ज़्यादा डीप गए तो, स्पेशल डिजाइन सूट पूरा कवर ववर होके ऑक्सीजन वगैरह सब लेके जाते, ठीक है। और एक लिमिट तक डीप जा सकते सूट पहन के भी, अगर उससे ज़्यादा डीप गए तो वहाँ पे भी फिर डेंजरस है। तो जितना आप डीप पानी में जाएंगे बॉटम है समझो, तो ये जो ऊपर फ्लूइड है वो बॉटम पे और वॉल्स पे क्या एक्सर्ट कर रहा, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया यानी क्या एक्सर्ट हो रहा प्रेशर, टायर का एग्जांपल बता रहा क्या एक्सर्ट हो रहा प्रेशर, ये तो लिक्विड का हो गया, ये समझो गैस का हो गया। गैस का एक और एग्जांपल, हम अभी अर्थ पे है हमारे आजू बाजू में एयर है, तो एक्चुअल में उसको मिटाना पड़ेगा, इसको भी मिटाते हैं टायर, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, वॉल पे जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे यानी क्या एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये जो एरिया है इस पे पानी का वजन है यानी वो आ गया फोर्स, दैट एरिया एक्टिंग ऑन दैट एरिया पर यूनिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर। तो दोनों चीजें याद रखो। ये समझो अर्थ, ये है उसका सराउंडिंग, उसका एटमॉस्फियर, ये मेरे एटमॉस्फियर है, इसमें है एयर, और एयर में बहुत सारी गैसेज है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जो भी गैसेज होंगी वो। तो अगर हम यहां खड़े हैं सपोज, तो हमारे ऊपर इतना एयर का कॉलम फोर्स एग्जर्ट कर, हम इतने एयर के नीचे दबे, ठीक है, समझ में आया ना। तो मेरे चारों तरफ एयर है और मेरे सर पे भी एयर है, हम उस जैसे हम पानी में नीचे जा रहे हैं वैसे ही हम समझो एटमॉस्फेयर के बाहर से अर्थ के एटमॉस्फेयर में अंदर आएंगे, तो हम ये बॉटम में पहुंच गए एटमॉस्फेयर के, ये अर्थ का सरफेस है, हम एटमॉस्फेयर के बॉटम में पहुंच गए, तो इतना एयर कॉलम हमारे ऊपर क्या एग्जर्ट कर रहा फोर्स, दैट फोर्स
पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हमारे ऊपर एयर का प्रेशर है पर हम वो फील नहीं कर रहे अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर भी है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। पर आप लोगों ने कभी देखा होगा जो लोग माउंटेन्स पे जाते हैं वो कभी कभी ऑक्सीजन मास्क लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है, यानी एयर की डेंसिटी भी कम हो रही, और उनके कैसे नाक और कान में से कभी कभी खून निकलने लग जाता, ऐसा क्यों समझना। अब मैं आ गया माउंटेन के ऊपर, ये है समझो हमारा माउंटेन, ड्रॉइंग में खराब है, ये हम आ गए माउंटेन के ऊपर। पहले मेरे ऊपर एयर कॉलम ज्यादा था, अब देखेंगे तो मेरे ऊपर इतना ही एयर कॉलम है, यानी मेरे बॉडी पे प्रेशर एयर का कम हो गया, एयर का प्रेशर कम हो गया मतलब अंदर का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। पहले वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, मैं अर्थ सरफेस पे जब था तो मैं एयर प्रेशर फील नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि अंदर बॉडी के ब्लड प्रेशर है जो एयर प्रेशर को बैलेंस कर रहा। पर आप जैसे जैसे यहाँ से हाइट पे जाएंगे यानी माउंटेन पे जा रहे हैं, मतलब मेरे ऊपर जो एयर कॉलम है उसकी थिकनेस कम होते जा रहे हैं। एयर कॉलम की थिकनेस कम हो गई मतलब मेरे बॉडी पे जो एयर का प्रेशर था वो कम, ब्लड प्रेशर उतना ही है मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो नाक और कान में जो पतले पतले वेन्स है वो बर्स्ट हो जाते। तो माउंटेन पे कुछ लोग जाते तो उनके नाक या कान में से खून निकलने लग जाता कभी कभी, क्योंकि वो जो पतले वेन्स है वो बर्स्ट हो जाते और सांस लेने में तकलीफ होती, एयर कम हो जाती इससे। ये लॉजिक याद है, ये माउंटेन है, इतना बड़ा इंसान नहीं बना, ये माउंटेन है। तो ध्यान समझ में आया नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पहले इतना एयर कॉलम था अब इतना है, जैसे हम पहले यहाँ से समझो अब हम यहाँ आ गए तो डेफिनेटली पानी जो हमारे ऊपर था वो कम हो गया, यहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा था, सेम इसके लिए एटमोसफेयर में तो ये फ्लूड है, वो भी फ्लूड है। अगर आपको एयर प्रेशर का एग्जांपल देखना है, आप लोगों ने देखा ही होगा मैं भी बचपन में, प्लास्टिक की बोतल लेना, प्लास्टिक की बोतल मतलब वो घर में हम फ्रिज में जो कड़क वाली यूज करते एकदम हार्ड प्लास्टिक वाली वो नहीं, बिस्लरी वगैरह जो हम कभी बाहर गए तो पानी पीने के लिए लेते ना वो, या ट्रेन में गए तो, या बाहर खाना खा रहे तो हम बिस्लरी मंगाते हैं, या जो भी एक्वाफिना जो भी आप लोग पानी मंगाते हैं उनके वो बॉटल कैसा थोड़ी सॉफ्ट रहती है, तो वो बॉटल लेना। देख बाकी में भी होता, ये मेटल कंटेनर में भी एग्जांपल हो सकता, पर वो करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बॉटल में करके देखना ठीक है। पहले बॉटल पूरी खाली रखना, ये डेफिनेटली करके देखना, और इसमें आपने थोड़ा सा गर्म पानी डाल, थोड़ा सा इतना गर्म पानी डाल दिया, हॉट वाटर अच्छा हॉट करके उसमें डालो ठीक है। अब जैसे ही आप हॉट वाटर डालेंगे तो इसमें से क्या निकलेंगे, वाटर वेपर्स, वो वाटर वेपर्स क्या करेगी, एयर को बाहर धक्का मार देगी, एयर को बाहर धक्का मारेगी ठीक है। तो जब आपको ऐसा लगे कि गर्म पानी डालने के बाद इसमें से वेपर्स धुआं धुआं निकलते हुए दिखेंगे ना, वेपर्स निकलते हुए दिखेंगे, तो ऐसे समझना उन्होंने एयर को धक्का मार दिया। अब आप इस लीड को बंद कर, अब इसके अंदर एयर नहीं है, वाटर वेपर्स है खाली, ये वाटर वेपर्स है। अब इस बॉटल को ठंडे पानी के टैप के नीचे रख दो या फिर उसको थोड़ी देर वैसे ही रहने दो, तो थोड़ी देर अगर आप ऐसे रखेंगे या टैप के नीचे रखेंगे तो ये वाटर वेपर्स वापस से कंडेंस हो जाएंगे, जैसे ही ये कंडेंस होंगे अंदर तैयार हो जाएगा, क्या तैयार हो गया, वैक्यूम तैयार हो गया। तो पहले अंदर भी एयर था बॉटल के अंदर, एयर प्रेशर का एग्जांपल बता रहा हूं देखो, तो पहले जब बॉटल लिया था हमने अंदर भी एयर था और बाहर भी एयर था, दोनों एक दूसरे को प्रेशर क्या कर रहे थे, बैलेंस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बैलेंस हो रहा था। बट अब अंदर वैक्यूम है और बाहर से एयर फोर्स डालेंगे, तो अगर आप थोड़ी देर बॉटल को वैसे ही रख दो कैप लगाने के बाद या टैप के नीचे रखो, जल्दी इफेक्ट देखना है, तो बॉटल क्रश हो जाएगी, क्योंकि एयर प्रेशर इतना ज्यादा है कि बॉटल अपने आप ऐसे क्रश हो जाएंगी, ऐसे ये करके देखना ठीक है, बॉटल क्रश हो जाएगी, यानी आपको हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं, आप थोड़ी देर वैसे ही रहने देंगे तो कड़ 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 ऐसे आवाज आएगा और धीरे धीरे वो क्रश होने लगेंगे। अगर आप टैप के नीचे रखेंगे बंद करके तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, वेपर जल्दी कंडेंस हो जाएंगे, तो वो इफेक्ट आपको फास्ट दिखेगा, बॉटल बहुत जल्दी क्रश हो जाएंगे, क्रश हो जाएंगे एकदम जमा हो जाएंगे देखना आप लोग, तो ये इफेक्ट आप लोग देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि जब एयर थी अंदर तो बॉटल स्ट्रेट थी, जैसे ही हमने एयर बाहर निकाल दिया और अंदर क्या क्रिएट किया, वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हमने क्या लिया, पानी गर्म, वेपर्स निकले, वेपर्स ने एयर को बाहर धक्का मार दिया, अब अंदर वाटर वेपर्स थे, ठंडा होने से वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए, अंदर वापस से क्या बन गया, वैक्यूम, अब वैक्यूम बन गया अंदर, तो
बाहर का एयर प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो बॉटल को क्रश कर देगा, मेटल भी क्रश हो सकता है इसे, पर वो करने की जरूरत नहीं है। ड्रम के साथ भी एग्जाम्पल कर सकते हैं कि ड्रम में गर्म पानी डालो, उसमें से वेपर्स निकलने दो और ड्रम को बंद करो, पर वो ओवल शेप का रहता ना, तो उसको चपकाने के लिए या क्रश करने के लिए थोड़ा सा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफॉर्म करना पड़ेगा स्फेरिकल शेप को। तो जैसे ही आप थोड़ा भी डिफॉर्म करेंगे, बड़े ड्रम के साथ भी, मेटल ड्रम के साथ भी यही होगा, वो भी क्रश हो जाएगा। तो सोचो एयर प्रेशर कितना ज्यादा होगा हमारे ऊपर, ठीक है? तो बहुत ज्यादा एयर प्रेशर, ये उसका एग्जाम्पल है, करके देख सकते हैं। तो या आप चाहे पानी में हो, चाहे आप एटमॉस्फेयर में हो, यानी हमारे आजू बाजू में या तो लिक्विड है या गैस है, तो वो हमारे ऊपर क्या एक्ट करेंगे, याद रखना, नॉर्मल फोर्स, दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखते हैं, ये सब एग्जांपल्स याद रखना, एक्सप्लेन कर रहे थे तो बेसिक ये, तो ये एग्जांपल करके देखना, एयर प्रेशर आपको समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा रहता करते। या आप ये एक्सपेरिमेंट तो खैर कर नहीं सकते करते, ये समझो मेरे पास एक स्पॉन्ज का बॉल है जिसका साइज इतना है, इसको एक कंटेनर में बंद कर दो और इसके अंदर से हवा निकाल दो। हवा निकालने के लिए यहाँ रेगुलेट कर दिया, पंप वगैरह चाहिए उसके लिए। तो ये बेल जार बोलेंगे इसको, ये बेल जार मतलब कांच का जार है जो सॉलिड ग्लास से बना हुआ है, जो वो प्रेशर जो कम होगा अंदर उसको बैलेंस कर लेंगे। अब आपने इस कंटेनर में से हवा निकाल ली, तो पहले ये जब ओपन था तो इसके ऊपर सब तरफ से कौन सा प्रेशर था, एयर का प्रेशर, फोर्स एक्ट हो रहा था। अब जैसे ही आप एयर बाहर निकालते जाएंगे धीरे धीरे, तो स्पॉन्ज बॉल की साइज देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कंसीडरेबल। तो वो पहले इतनी साइज का था, अब इतना बड़ा क्यों गया, क्योंकि हमने एयर बाहर निकाल के उसके ऊपर का प्रेशर कम कर दिया। ये भी देख सकते हैं आप लोग, तो ये जनरली एयर निकालने का प्रॉब्लम ही है, तो फिर ये जस्ट बता रहा याद रखा, स्पॉन्ज बॉल अगर लिया, स्पॉन्ज से बना हुआ बॉल, तो उसकी साइज कम है, बट आप उसको उस बेल जार में रख के वहां से एयर निकालने का कुछ अरेंजमेंट कर लो पंप से, तो आप जैसे जैसे एयर निकालते जाएंगे उसकी साइज थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर कम होते जा रहा है, प्रेशर कम होते जाएगा तो डेफिनेटली उसकी साइज बड़ी होगी। पहले वो साइज कम थी प्रेशर की वजह से, अब साइज बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने बकेट का एग्जांपल बताया, आपने मग उल्टा किया, इसमें एयर है, इसमें से एक छोटा सा बबल टेढ़ा करके निकालो, इसकी साइज कम है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नीचे है, तो डेफिनेटली प्रेशर ज्यादा है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ज्यादा है। जैसे जैसे वो ऊपर आते जाएंगे उसकी साइज बड़ी होती जाएंगी, ये एक्सपेरिमेंट देख सकते घर पे, और ऊपर आने के बाद एकदम ज्यादा ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा उस पर प्रेशर कम होते जाएगा, क्योंकि पानी का वेट कम होते जा रहा, देखो तो प्रेशर कम होते जाएगा और वो बबल की साइज बड़ी 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 होती जाएंगी, फाइनली एयर बाहर आ जाएगी। ये कुछ एग्जांपल बताया जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बता रहा या फ्लूइड का प्रेशर बता रहा, ठीक है? तो हम इक्वेशन लिखेंगे, प्रेशर की डेफिनेशन है नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी पर यूनिट एरिया, या इन शॉर्ट लिखेंगे तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट का डायमेंशन बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देते, प्रेशर के डायमेंशन रहेंगे एम वन एल माइनस वन एम बी माइनस टू। फोर्स के डायमेंशन लिख लो पहले, क्या है फोर्स के डायमेंशन, एम वन एल वन बी माइनस टू अपॉन में एरिया, यानी एल रेज टू टू, तो ये ऊपर जाके माइनस, तो ये माइनस, तो प्रेशर के निकल गए हम लोगों ने डायमेंशन। पर याद रखना नॉर्मल फोर्स होना चाहिए ना, तो तभी उसी को प्रेशर बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। ये हो गए उसके डायमेंशंस, यूनिट फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, या फिर हम साइंटिस्ट के नाम पे लेते पास्कल। तो व्हाट इज प्रेशर, तो जो फ्लूइड एक्सर्ट करेंगे प्रेशर लिक्विड या गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये देखो और भी यूनिट है, वो भी बता दो, ठीक है? तो ये याद रखो, हम प्रेशर को बार में भी गिनते, कोई वो पीने वाला बार नहीं है, यूनिट है बार। 10 raised to 5
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल भी लिख सकते हैं, दिस इज वन मोर यूनिट, वन बार इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हेक्टा पास्कल भी है, वन हेक्टा पास्कल को वन एच पी ए ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इट इज 100 पास्कल, वन हेक्टा पास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल, या ऐसा भी लिख सकते हैं 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल लिख सकते हैं, तो ये दोनों याद रखो। एक और यूनिट याद रखना वन टॉर, इट इज 133.32 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टॉर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर, इसका कन्वर्शन टेक्सटबुक में नहीं दिया है पर याद रहा तो बहुत ही अच्छा। देखिए तो प्रेशर के ये अलग अलग यूनिट है, वन बार बी ए आर बार याद रखो, इट इज 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी लिख सकते हैं, ना फिर से बोल रहा हूं, जहां न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वहां पास्कल लिख सकते हैं, वन हेक्टा पास्कल एच पी ए शॉर्ट में, इट इज 100 पास्कल या 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वन टॉर, ये सिर्फ टॉर लिखा है वहां पे उन्होंने, उसका यूनिट कन्वर्शन नहीं दिया है, अगर आप चाहे तो ये याद रखना 133.32 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया, ये देखो और पहले बताया प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी, याद रखना प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट्स याद रखो, बार भी है, पीएआर बार, वन बार कन्वर्शन याद रखना 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वन हेक्टा पास्कल अगर आया तो वन एचपीए शॉर्ट पे भी लिख सकते हैं, तो 100 पास्कल एच हटा दिए पास्कल बचा खाली, या ऐसे भी लिख सकते हैं 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वन टॉर इज इक्वल्स टू 133.32 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, तो याद रखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल लिख सकते हैं, साइंटिस्ट का नाम। ठीक है तो ये और ये भी प्रेशर के ही यूनिट है, कौन से बार, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, हेक्टा पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर और टॉर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर, ये उनका कन्वर्शन है जो बताया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में। देख नोट करो, तो ये जो हमारा प्रेशर का इक्वेशन है ये जनरलाइज इक्वेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया कंप्रेसिव, हां ध्यान रखो, तो ये यूनिट डायमेंशन और ये बाकी के यूनिट याद रखो, बार हेक्टा पास्कल और टॉर, इसका कन्वर्जन नहीं है लिखना है तो लिख सकते हैं, नोट्स में भी नहीं है, टेक्स्टबुक नोट्स में डाला है, टेक्स्टबुक में नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो फ्लूइड है जो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जैसे लिक्विड है या गैस है जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसका इक्वेशन, ये तो जनरलाइज इक्वेशन हो गया, उनके इक्वेशन बनाने हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है तो इतना एक बार देख लेना, बेसिक हुआ है, जस्ट इंट्रोडक्शन है समझो फ्लूइड्स के बारे में, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में, तो इसके आगे अब हम डेरिवेशन वाला जो पार्ट है इसके आगे शुरू हो जाएगा। तो याद रखो चैप्टर के दो पार्ट, हाइड्रोस्टैटिक्स यानी फ्लूइड एट रेस्ट, और फिर बाद में हाइड्रोडायनामिक्स, मतलब डायनामिक्स मतलब मोशन में, फ्लूइड्स इन मोशन, देख लो नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे।